लेक्चरर्स का आंदोलन चल रहा है। पता नहीं राज्य सरकार ने क्यों उनकी पकड़ रखी है, उसमें कोई सरकार को फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं है, और अब भी आंदोलनरत हैं। तो छात्रों छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल यहाँ दिल्ली आया हुआ है और हमने कांग्रेस आला कमान से टाइम भी रखा है ताकि हम हमारी बात को वहाँ भी रख सकें और वो राज्य सरकार को कहें कि बहुत जरूरी है, तो उस दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ। राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि हम सितंबर में दूसरी भी एक परीक्षा देंगे। हाँ, कुछ वैकेंसीज निकाली 3000 वैकेंसी, पर उसमें समस्या ये आने वाली है जितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनमें सिलेक्ट होकर और 5000 का होना है, फिर ये प्लस दो आंदोलनकारी वो प्लस दूसरे भरके तो वो 10-12 लाख फॉर्म भरेंगे तो वो ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा। ये तो सरकार से अब भी मेरा मांग है, आग्रह है कि 5+3, 5000 पहले की वैकेंसी, 3000 की वैकेंसी, 8000 टोटल वैकेंसीज का अगर परीक्षा अगस्त और जुलाई में कराई जाए तो ये छात्रों के हित में होगा, राज्य के हित में होगा। छात्र डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में भी बात कर रहे हैं कि सर बाहर के स्टेट के लोगों को यहाँ पर परीक्षा में परमिट ना किया जाए। मेरी समझ में यही एक दबाव सरकार पर लगता है अपरोक्ष रूप से कि बाहर के स्टेट के लोगों को मौका मिलेगा ज्यादा और राजस्थान के लोगों को बहुत कम मौका मिलेगा, इसलिए कि ये छात्र तो आंदोलन में है, ये छात्र अब पंचायत के चुनाव में भी व्यस्त हो जाएंगे, तो थर्ड ग्रेड टीचर में 17000 टीचर पंचायत जिला परिषद की ड्यूटी में लगे हुए हैं, तो वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ के प्री बोर्ड की परीक्षा में एनडीए से बच्चे तो वो भी कोई परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये 2 महीने से आंदोलनरत है, उसका मैक्सिमम फायदा राज्य से बाहर के छात्रों को मिलेगा। छात्र मांग करें बाहर के छात्रों को परमिशन न किया जाए, जैसा कई राज्यों में है, क्या परमिशन की पॉलिसी कई राज्यों में है, तो उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसका बिल विधानसभा लाना चाहिए, बिल जब दूसरी स्टेट ने बना रखा है तो राजस्थान सरकार को भी ऐसा बिल लगाना चाहिए, उसमें राइडर लगाया जाए कि इस स्थिति तक जो दूसरी स्टेट कर रही है वैसे राजस्थान को करना चाहिए। वैसे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसा कोई आप नहीं कर सकते, लेकिन जब दूसरे राज्यों ने कानून ला रखा है तो राजस्थान को भी कानून लाना चाहिए और उसका राइडर लगाना चाहिए जिससे राज्य के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इम्प्लॉयमेंट मिले।